वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप लोग? होप अपने अपने घर में सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। गुड मॉर्निंग। एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 8:20। मैं निकली हूँ शॉप, क्योंकि लास्ट ब्लॉग में आप लोग को देख के पता तो चल गया होगा इतना कि कितनी गर्मी है। तो मैं सोची हूँ दोपहर का टाइम मैं पूरा घर में रहूँगी। मैं 8 बजे तरफ निकल जाऊँगी शॉप के लिए एंड वापस आ जाऊँगी 12:30 में, एंड फिर से ओपन करूँगी 4:35 में, क्योंकि दोपहर के टाइम इतना धूप हो रहा है ना, कोई भी नहीं आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो आता भी है तो भाई मैं वहाँ पे लाइट नहीं रहता, बहुत टाइम लाइट कट जाती है उधर, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। इतनी गर्मी में मैं नहीं सहन कर सकती, मतलब मैं इतना गर्मी टॉलरेट कर ही नहीं सकती गाइस। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो वो टाइम मैं घर में ही रह जाती हूँ। सो गाइस, मैं निकल गई हूँ, चलो जल्दी से चलते हैं। अभी बज रहा है 8:15 एंड मेरे को छोड़ के फिर दीदी जाएंगी वहाँ कुमू के क्लास, तो मेरे को ड्रॉप करके वो फिर आएंगे, कुमू को क्लास लेके जाएंगे, फिर कुमू को घर पर ड्रॉप करके मेरे को लेने आएंगे। गाइस, मैं पहुँच चुकी हूँ शॉप एंड क्या, चलो मैं अपना काम वाम करती हूँ, निपटा विपटा के फिर आप लोग से मिलती हूँ। ओके, जब घर जाने का टाइम होगा मिलूँगी, नहीं तो बीच में अगर कुछ आपको बताना होगा तो ज़रूर मिलूँगी। ओके गाइस, दोपहर का टाइम है तो मैंने सोचा कि चलो घर आ जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं रुकती, 2-3 घंटा 4 घंटा तक लाइट चला जाता है, और दोपहर के टाइम में इतना धूप हो रहा है तो कोई कॉस्ट्यूम में भी आता नहीं है। चलो मैं घर थोड़ा सा जाती हूँ, रेस्ट करूँगी, लंच करूँगी एंड उसके बाद फिर से 2-3 घंटा के बाद आऊँगी। ओके, वाओ बहुत बढ़िया लग रही है। गाइस, मेरा लंच वंच ओवर हो गया है एंड यहाँ पे इतना जोर का हवा चल रहा है कि मैं आप लोग को नहीं बता सकती, दिखा देती हूँ। ओके, आप बताओ सही क्या चाहिए। देखो गाइस, हवा तो जैसे चल रही है वो एक बात है, लेकिन इधर एक मिनट में मेरे रूम से व्यू दिखा दियो, क्योंकि यहाँ पे इतने गच गच यार, ओडिया में होता है ये पेड़ इतना सारा भर गया है कि मुझे दिख नहीं रहा। तो देखो ये ले रही है हवा का मजा, भरपूर मजा उठा रही है पिंक पैंथर दीदी, चुम्बेश्वरी दीदी लो गाइस, वो दे नहीं रही है, देखो आधा देके रुक गई। और यहाँ पे देखो व्यूज मैं दिखाती हूँ आपको, कितना ज्यादा बारिश हो रहा है, देख सकते हो आप, हवा भी बहुत जोर का चल रहा है, देखो पेड़ कितनी जोर से हिल रहा है, मतलब हवा बहुत तेज से जोर का चल रहा है एंड और कुमू यहाँ पे हवा का मजा ले रहे हैं, हमको बहुत बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है, हंस दे थोड़ा। चलो गाइस, यहाँ पे जितनी जोर का बारिश हो रहा है ना, देखो ये पूरा गिल्ला हो गया है, यहाँ पे पूरा गिल्ला हो गया है गाइस, पूरा गिल्ला हो गया, बहुत जोर का बारिश। गाइस, अभी थोड़ा सा बारिश रुक गई है एंड मैं निकली हुई हूँ, क्योंकि मेरे को 2-4 कस्टमर के भी कॉल आए हुए थे कि आपके शॉप बंद क्यों हो, शायद उस तरफ फिर से कॉल आ गया। मु बस घरों बाहर ही गले नी, मतलब 10-15 मिनट लगे वो पहुँचे। हाँ कौटे अच्छा दिए आप, हेलो स्टोर तले मु आसछी है ना, मु गाइस देखा, मैं सही सही बोल रही थी, मैं
कभी फेंकती नहीं हूँ। तो चलो इधर रियान है, मैं सोचती हूँ रियान में चलती हूँ, छोटा सा गाड़ी है ना। हाँ भर ले। तो चलो रियान में मेरे को मज़ा आता है, सोच नहीं लगता। और ये कप्तान का जो पहनी हूँ ना, हवा चल रहा है अंदर से घुस के इधर से निकल रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। ये ड्रेस का फ़ायदा वही है कि हर तरफ से आपको हवा घुसेगा, और गर्मी में इससे ज़्यादा आराम और कुछ नहीं हो सकता गाइस, ट्रस्ट मी। अगर किसी को पहनना हो ना गर्मी में, क्या कुर्ता पहन सकते हो, तो कप्तान का कुर्ता लो, लॉन्ग वाली, बहुत कंफर्टेबल रहता है। बहुत मेरे को तो बहुत सुंदर भी लगता है, लाइक मेरे को बहुत खिलता भी है। नहीं पता सबको खिलेगा नहीं खिलेगा, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा सूट करता है और मुझे बहुत कम्फर्टेबल भी लगता है। अच्छी थे ला, चलो नियॉन रिजवा खोला। वो नियॉन का हुलिया हो गया है चेंज। एटीएम कट्टा नहीं, मैं सोचूं कि निकलूंगी। देखो बारिश फिर से स्टार्ट हो गया यार, इतना बारिश हो रहा है क्या बताऊं मैं, बहुत बारिश हो रहा है। अभी फिर से गया है दीदी का कार्ड लेने के लिए, मैं उनका एटीएम से पैसा निकालूंगी आते टाइम, या फिर जाते टाइम भी निकाल दूंगी, क्योंकि उनका बैलेंस जो है ना, पता नहीं क्यों कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो वो माइनस हो जा रहा है, कट जा रहा है। तो मैं सोची कि चलो निकाल देती हूँ उनका पैसा। लिपस्टिक छूट गया, थोड़ा सा लगा लेती हूँ लिपस्टिक। तो गाइस बारिश में चाय पीने की मतलब मज़ा ही कुछ और होता है। वैसे तो मैं चाय लवर हूँ, एक चाय, वैसे तो मैं चाय लवर हूँ और मुझे तो चाय बहुत पसंद है। तो हमारे घर की देखो ये है हमारा गेट, ये है हमारा गेट, इसी के ठीक आगे सामने ही चाय मिलता है, अच्छा वाला चाय का ही ट्रस्ट, बहुत टेस्टी चाय होता है। तो मैंने देखो यहाँ पे हमारा जो मंटू है ना, ये मंटू है हमारा ड्राइवर, उसको मैं बोल चाय थोड़ा मेरे लिए ले लिया, वो जाके ले आया चाय। और ये है घर, सेकंड फ्लोर है हम लोग का, सेकंड में जो घर है ना वो हमारा है। एंड थैंक यू आगोटे कप आना जानी छंती तांकु सब बेले से मते गुटे नै दीटा कप ही दियंती। ये हो गया मेरा चाय गरमा गरम। तो चाय पीते एक बात याद आ गई क्या, कि मैं ना पहले ऐसे सस दस के चाय पीने के लिए जाती थी, मेरा एक ग्रुप था। लोग क्या करते हैं, लड़कियां जाते हैं सैलॉन जाते हैं सस दस के, कोई मॉल कोई मूवी जाता है या फिर घूमने मार्केट जाते हैं, लेकिन मैं जाती थी चाय पीने के लिए सस सस की। मेरा एक ग्रुप था गाइस, पूरा हम लोग थे कितना, चार पांच लोग, नाम भी मैं मेंशन कर देती हूँ क्योंकि तो उन लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ, वो टाइम तो मैं बहुत मिस कर रही हूँ। मेरे को वो मेमोरी याद आ गई कि हमको हमारा जो ग्रुप था ना, एक तो मेरी बहन भी थी राखी, एंड उसके साथ स्नेहा शामुका ज्योति एंडी, हमारा बहुत अच्छा बॉन्डिंग था। हम लोग ना हमेशा घूमा करते थे, ऐसे चाय पीने के लिए निकल जाते थे शाम को, बारिश हो गया तो चलो चाय पीने, हम लोग कई बार नखरा भी गए हैं चाय पीने के लिए, बहुत मज़ा आता था। वो दिन मैं याद आ गया यार। अगर तुम लोग मेरा वीडियो देख रहे हो ना, कमेंट करना नीचे ठीक है, कि तुम लोग मुझे मिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ओके सो गाइस फाइनली मैं हूँ शॉप पे, एंड बहुत कुछ काम है, तो फिर मैं आप लोग को मिलूँगी जब फ्री होंगी। ओके ओ गाइस 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 मैंने शॉप बंद कर दी अभी, आज थोड़ा सा जल्दी कर दिया क्योंकि काम था। कल एक अंकल का एनिवर्सरी है, उनके पार्टी में जाना है, तो उनके लिए गिफ्ट फ्रूट्स लेना था। रघु तो है नहीं, तो मैं और दीदी ही जाएंगे ड्राइवर के साथ, तो वही काम वाम आज ही निपटा लेते हैं। कल फिर जाना है तो कल वो नहीं हो सकता, मैं इधर शॉप में रहूँगी और ड्राइवर भी मेरे साथ रहता है, दीदी वही अकेले हो जाते हैं, वो जा नहीं पाते कहीं पर। वैसे रघु स्टोर में रहने से हम लोग क्या करते हैं, स्कूटी लेके भी चले जाते हैं, ड्राइवर रहता है तो ड्राइवर के साथ जाते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा वो प्रॉब्लम है क्योंकि वो नहीं है, वो जब आ जाएंगे तो सब कुछ सेटल हो जाएगा। एंड मैं निकलती हूँ जल्दी से क्योंकि दीदी मेरे वेट किए हुए हैं, फिर हम लोग घर से निकलेंगे दोनों। गाड़ी भी आ गया, फ़ोन उठाते। सो गाइस मैं और मम्मी थोड़ा आ गए हैं, दीदी और कुम्मू एक्चुअली गाड़ी में है क्योंकि कुम्मू थोड़ा सा रो रही थी, उसका पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ है, बच्ची है उसका पता नहीं। तो हम लोग लेने आए हैं शर्ट अंकल के लिए, देखते हैं क्या।
गाइस हम लोग का शॉपिंग होता है ऐसे ओवर हो गया एंड जो लेना था वो ले गए। चलो अभी चलते हैं पेट पूजा करने के लिए। प्लीज मैंने जैसे आप लोग को बताया था कि मैं अभी थोड़ा सा पेट पूजा करूँगी, तो मैंने आज थर्सडे है तो मैंने ऑर्डर करी है पनीर स्टिक, मशरूम स्टिक, पनीर पकोड़ा एंड मशरूम पकोड़ा, ये सब ऑर्डर किया हुआ है। अब लेके जाऊंगी सब कुछ। मम्मी और दीदी बैठे हैं गाड़ी पे, वो लोग नहीं आएंगे क्योंकि कुम्मू थोड़ा सा रो रही है ना, तो वो लोग ऐसे भी स्ट्रीट वो लोग ज़्यादा नहीं आते। तो चलो देखते हैं, मैं लेके जाता हूँ। मेरे को चार्जर हाथ है नहीं गाइस, मेरे को फ़ोन ही रखना पड़ेगा। अगर देखती हूँ अगर नहीं नहीं गिर जाएगा भैया। अब ठीक है, थैंक यू। हो गया मेरा, एडजस्ट करके मैं रखी हूँ अपने एक हथेली पे दो पकोड़े, सॉरी फिंगर, क्या है ये स्टिक, सॉरी स्टिक स्टिक स्टिक। ओके चलो चलते हैं मम्मी को, और मम्मी तो नहीं खाएंगे क्योंकि उसमें ओनियन गार्लिक है, वो थर्सडे को ओनियन गार्लिक नहीं खाते। दीदी और मैं खा लेंगे। ओ आ तो रिश्वत दे रहे हैं दीदी, खिला खिला के बुला रहे हैं, लेकिन वो आ ही नहीं रही है यार, नींद में थी बेचारी को, हम लोगों ने आइसक्रीम खिला खिला के उठाया है। कुम्मो ऐसे नहीं जगती ना, आइसक्रीम खा रही है तभी जग रही है कि वो उसको थोड़ा सा मन के आने का, तो वो अभी अभी उसके पीछे पड़े हम लोग। निकल निकल बाहर निकल, नहीं ही बाहर निकल रही थी, 5 मिनट के बाद निकली। चलो निकली तो सही, नींद भी खुल गया उसका, नींद भी खुल गया उसका, वो बहुत सुबह से उठी है, 7 बजे से उसका क्लास था, उसको तो आराम से सो जाना चाहिए, 9:30-10 बजे तक सो जाना चाहिए, लेकिन वो अगर जल्दी सो जाती है तो फिर जल्दी भी उठ जाती है, इसीलिए हम उसको थोड़ा सा लेट में सुलाते हैं, मतलब 11:30-12 बजे के अंदर सुलाने से वो सुबह उठ जाती है 6:30-7 बजे के अंदर, तो वो टाइम थोड़ा ठीक रहता है। तो चलो देखते हैं। अच्छा अच्छा आउटर आउटर अमर अमर अमर, हाँ मारो था कल तुम्हारे बच्चा से तो समझ नहीं आ रहा है। सुनो उल्टा है ला तो, हाँ से बाबा उठी बनिया, हाँ उठियो एक भी मटर जाने से खाती नहीं है लड़की। Yeah. वापस आ गए हैं एंड मैं एक चीज़ बना रही हूँ गाइस, स्टफ मैंगो कुल्फी, जो कि मैं बहुत वायरल हो रखा है वीडियो में, आप लोग सब देखे होंगे, इंस्टाग्राम में हो गया, फेसबुक में हो गया, यूट्यूब में, हर जगह पे, तो वो मैं ट्राई कर रही हूँ। तो पूरा प्रोसेस तो अभी पहली बार कर रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट टाइम वो प्रोसेस अगर आप लोग मुझे कमेंट करोगे तो मैं बताऊँगी। तो पहले ट्राई करती हूँ, अभी मैंने दूध को जो क्रीम फॉर्म है कुल्फी फॉर्म में लाना है वही कर रही हूँ, दूध को एकदम उसको मतलब उबाल के उसका लास्ट स्टेज तक लाऊंगी मैं एंड तो चलो मैं बनाती हूँ धीरे धीरे, और आप लोग अगर कमेंट करोगे तो मैं उसका रेसिपी भी डालूंगी। ओके मैंने मैंगो को यहाँ पे वो उसका गुटली निकाल के रख दिया है एंड यहाँ पे दूध को मैंने कप से गर्म कर रखी हूँ। ओके इसका मलाई बना रही हूँ, इस देख सकते हो मैं कितनी पसीना पसीना हो गई हूँ, एकदम भीग गई हूँ एंड जब तक वो जब तक दूध उबल रहा है मैं उसको लो फ्लेम में एकदम डाल रही हूँ, वो नहीं जलेगा, मैं जितना जानती हूँ मेरा जितना एक्सपीरियंस है वो जलेगा नहीं, तब तक मैं सावर लेके आ जाती हूँ। यार बहुत गर्मी लग रहा है, बहुत ज़्यादा, बस मम्मी को बोल दूँगी कि बीच बीच में थोड़ा देखते रहे, वैसे तो मैं 5-10 मिनट में आ जाऊँगी, मैं देख के जाऊंगी फिर आके ही फटाक से देख लूंगी तो वो मैनेज हो जाएगा। तो चलो मैं पहले सावर ले लेती हूँ, बहुत गर्मी है मैं और नहीं सहन कर सकती, डायरेक्ट फिर सोऊंगी। लेके पट से आ गई एंड देखो यहाँ पे देखो मैंने इसमें थोड़ा सा मैंगो का पल्प भी डाल दिया था तो इसका कलर ऐसे हो गया एंड इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे, थोड़ा सा इलायची कूट के डाल दिया था क्योंकि अच्छा स्मेल आएगा गाइस, एंड चीनी और थोड़ा सा मिल्क पाउडर और दूध बस उतना ही, और उसको अच्छे से उबाला, टेक्सचर ऐसा हुआ। फिर चलो इसको मैं डाल देती हूँ, हर
मैंगो के अंदर। तो ऐसे एक एक करके इसके अंदर गाइस फिल कर देते हैं। मैं हाँ एक हाथ में कैमरा पकड़ के सब कुछ कर रही हूँ ना गाइस, तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। इतना भी मलाई स्टफ था, मैंने इसको रिफिल कर दिया यहाँ पे, और इसको अच्छे से ढक लूँगी मैं, ढक लूँगी तो ये क्या होगा, कवर होके रहेगा, जब खाना रहेगा तब निकाल लेंगे। इसको अच्छे से ढक लूँगी गाइस। पता नहीं किसका ढक्कन कौन सा है, मैं किसी में भी किसी का भी ढक्कन लगा दे रही हूँ। आई थिंक इसका है, इसका है ये, इसका है ये, एंड इसका है ये, सबसे छोटा इसका है ये, और इसका है ये शायद, हो गया शट। चलो इसको रेफ्रिजरेट कर देते हैं। कर दिया मैंने इसको आराम से, इसको अंदर थोड़ा सा दे देती हूँ, इस पैक है। चलो बंद कर देती हूँ। एंड सारे खा लिए हैं, मम्मी पापा, कुम्मू को तो मैंने खिलाया, आप लोगों ने देखा, मेरी जो भांजी है छोटी सी, बस दीदी और मैं खाना नहीं खाए हैं। हम सोच रहे हैं कि हम भी खा लेते हैं, एक तो बहुत देर हो चुकी है, 12 बज चुका है गाइस। रुकिए मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, 12:30 से ज़्यादा हो चुका है, जल्दी से खाना खा लेते हैं फिर मैं मिलती हूँ आप लोग से। ये जो आइसक्रीम है ना, ये कल होगा, आज तो बिल्कुल नहीं होगा, कल ही मैं दिखाऊँगी। ओके मैं यहाँ पर खा रही हूँ रोटी, पनीर आलू की सब्जी एंड पनीर तड़का, पनीर दाल तड़का, और साथ ही साथ मैं थोड़ा सा पीऊँगी कोल्ड ड्रिंक बाद में, अभी नहीं, खाने के बाद। चलो मैं पहले खाना खा लेती हूँ। कोल्ड ड्रिंक पिएगी या जूस पिएगी? कोल्ड ड्रिंक पिएगी या जूस पिएगी? कुछ भी चलेगा, जूस भी है ना, ठीक है जूस पी लूँगी फिर। गाइस मेरा डिनर हो गया है ओवर, एंड अभी मेरा थोड़ा सा फेस में जो है ना एक्ने वगैरह निकलना है, एक्ने तो नहीं है ये, पिंपल है, एक्ने नहीं होता है मुझे ये, एक्चुअली बहुत गर्मी की वजह से मैं धूप में इधर उधर हो रही हूँ। आप लोग को तो पता है, जो जो मेरे ब्लॉग देखते होंगे उनको पता है मैं शॉप जाती हूँ एंड गर्मी में वो इधर उधर हो के मेरा थोड़ा सा हीट बॉयल जो आता है ना वो निकल गया है, हॉट हीट बॉयल, हाँ ये देखो ऐसे टाइप का। तो ये चीज़ एक्चुअली बहुत गर्मी होने से होता है, तो आपके चेहरे को जितना ठंडक मिलेगा उतना कम होगा, तो इसीलिए मैं एक अभी नाइट क्रीम मेरा जो है ना चेंज की हुई हूँ, एक्चुअली वो ख़त्म भी हो गया था और मैंने सोचा कि मेरे स्किन को अभी जिस चीज़ का ज़रूरत है वो मैं यूज़ करूँ, तो मैं अभी फ़िलहाल यूज़ करी हूँ ये डॉट एन की का स्किन केयर। इसमें है ग्रीन टी एंड नाइसिनमाइड, जो कि फॉर ऑयली एक्ने प्रॉन स्किन के लिए है। ये करेगा बैलेंस हाइड्रेशन एंड आपके स्किन को एक मतलब स्कार्स वगैरह हो गया वो सबको रिमूव करने में हेल्प करता है। तो अभी जब पिंपल्स वगैरह इतने निकल रहे हैं तो मैं सोची कि चलो इसको मैं अभी यूज़ करती हूँ। सो गाइस इसका प्राइस है 495 एंड ये मुझे कुछ ऑफर में आया था, मुझे याद नहीं है। तो इसका डब्बा देखो कितना क्यूट सा है गाइस, सुंदर है, यहाँ पे टोपी लगा दिया है जो भी डॉट इन की रेट, और इसमें एक ऐसे एक स्पून दिया है छोटा सा, स्पैचुला भी बोल सकते हो आप इसे। इसमें मैं निकाल के लगाऊंगी पूरे फेस में, नेक में एंड आई एरिया और लिप एरिया को छोड़ के पूरा फेस एंड नेक में लगाना है। तो ये आपको ये ओवरनाइट रख के उसके अगले दिन सुबह आपको फेस वॉश करनी है, तब आपको ये रिज़ल्ट दिखेगा। बहुत नींद लग रहा है एक्चुअली मुझे, आँख बंद हो जा रहा है क्योंकि सुबह जल्दी उठ गई थी, बहुत जल्दी उठ गई थी। इसमें तो मैं मसाज नहीं कर सकती, तो मैं इसके लिए एक हैंड का ही इस्तेमाल करूँगी। मसाज तो ज़रूरी है, फेस में पूरा इसको ब्लेंड करना है ना। एक्चुअली मैंने आपको बताना भूल गई थी कि मैं टोनर यूज़ कर दी हूँ ऑलरेडी। हो गया गाइस, लगा ली इसको पूरा। एंड और एक चीज़ मेरे को आपको बताना था, हाँ देखो, एक आज दीदी मेरे लिए एक कुर्ता लेके आए हुए हैं, देखो
मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, ये कुर्ता है बेबी पिंक कलर में। यस बेबी पिंक कलर में, देख ऐसा है इसका स्लीव है, हाफ ऐसा स्लीव है और ये चाइनीज नेक है एंड ये कॉटन में है मटेरियल। ये वो लाए हैं, ब्रांड है सृष्टि एंड साइज है मेरा स्मॉल। बहुत अच्छा लगा गाइस, समर में बहुत अच्छा है ये पहनने के लिए। इसको आप वाइट लेगिंग के साथ भी पेयर कर सकते हो एंड अब चाहो तो जीन्स के साथ भी पहन सकते हो, लेकिन मैं तो लेगिंग भी प्रिफर कर रही हूँ। अभी बहुत गर्मी चल रहा है तो जितना हल्का फुल्का पहनूंगी उतना अच्छा है। तो चलो मैं सोने जा रही हूँ, कल आइसक्रीम का जो भी प्रोसेस है वो। सो गाइज ये ब्लॉग को यही पेंड करते हैं, अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।